इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हुआ रोमांचक मैच तो हम सभी देख लिए हैं, लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे इस मैच में सबसे बढ़िया फील्डिंग किस खिलाड़ी ने की है और उस खिलाड़ी को मैच के बाद में देव शास्त्री द्वारा मेडल भी दिया गया है। सबसे पहले बात करें मैच के बारे में, तो इस मैच में बारिश ने बहुत ही रुकावट डाली। मैच की शुरुआत 8 बजे होनी थी, लेकिन बारिश से चलते मैच को 8:30 बजे शुरू किया गया। इसके बाद में 1 आवर के बाद ही फिर से बारिश होने लगी। बारिश के बाद में विराट कोहली और रोहित शर्मा के आउट होने के बाद में पारी को ऋषभ पंत और अक्षर पटेल ने संभाला। ऋषभ पंत ने इस मैच में कमाल की तुम्हारे संगी पारी खेली और टीम इंडिया को संभाला, लेकिन ऋषभ पंत के अलावा इस मैच में न तो सूर्य कुमार यादव चले और न ही स्वयं दुबे से कोई बड़ी पारी निकल सकी, लेकिन फिर भी टीम इंडिया किस तरह से 20 ओवर में 119 रन के लक्ष्य तक पहुंच पाई। पहले पारी में टीम इंडिया 119 रन बनाने के बाद में सबको लग रहा था कि पाकिस्तान की टीम यह मैच आसानी से जीत लेगी। पाकिस्तान की टीम ने अपनी पारी की शुरुआत बहुत ही बढ़िया करी। पाकिस्तान की टीम की शुरुआत थी 26 रन तक कोई विकेट नहीं गिरा, लेकिन इसके बाद में जसप्रीत बुमराह स्ट्राइक पाए और बुमराह ने पाकिस्तान की टीम को बिखेर सा दिया। बुमराह के साथ साथ हार्दिक पांड्या ने भी इस मैच में बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी करी। टीम इंडिया ने यह मुकाबला 6 रन से अपना नाम कर लिया। टीम इंडिया ने पाकिस्तान को 170 रन बना दिए और 6 रन से मैच अपना नाम कर लिया। भारतीय गेंदबाजी में गेंदबाजों का दबाव सबको देखने को मिला, लेकिन विकेट के पीछे ऋषभ पंत ने इस मैच में बहुत ही बड़ी भूमिका निभाई। ऋषभ पंत ने पहले बल्लेबाजी में 24 रन बनाए, इसके बाद में गेंदबाजों के लिए बहुत ही संघर्ष किया और गेंदबाजों को साथ दिया, जिसके लिए पारी के लास्ट में ऋषभ पंत को बेस्ट फील्डर का अवार्ड चुना गया और यह अवार्ड रवि शास्त्री ने ऋषभ पंत को दिया। तो आज के वीडियो में नहीं, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे आगे आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सकें।